अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? डॉक्टर सारिम अली हेयर, फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट KMSMC. आई गॉट 171 मार्क्स इन MDKIT 2023 एंड अल्हम्दुलिल्लाह गॉट एडमिशन हेयर. सो टुडे द टॉपिक ऑफ आर डिस्कशन इज चैप्टर नंबर 3 गैसेस एंड वी विल फॉलो इट अप विद द लिक्विड चैप्टर. ओके, सो यू हैव टू फॉलो मी, यू हैव टू जस्ट लिसन टू मी व्हाट आई विल से टू यू. मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट और ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा और इस चैप्टर को आप बहुत आसानी से कवर कर सकेंगे. ओके, तो जैसा कि आपको पता है कि आपको कवर तो सारा कुछ करना पड़ेगा, थॉरली आपको अच्छे तरीके से इस चैप्टर पे ग्रिप होनी चाहिए. बट अपार्ट फ्रॉम डैट यू हैव ऑन योर फिंगर टिप्स द ऑल इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. ओके, सो जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले मैं आपको टॉपिक्स बता दूंगा कि ये टॉपिक्स आपने किस तरह प्रिपेयर करनी है, देन उनकी डिटेल्स आगे बाद में बताऊंगा. ओके, तो सबसे पहले इस टॉपिक के अंदर आपको जैसा कि पता है कि सबसे पहले इसमें गैस लॉज आएंगे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन. उसके बाद आपके पास आ जाता है हमारे पास डिफरेंट टॉपिक्स, एवोगैड्रो लॉज है आगे, फिर डल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. ये टॉपिक्स मैं वो टॉपिक्स के नाम ले रहा हूँ जो आपको हर सूरत में आने चाहिए. और यहाँ पे मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता चलूँ, लास्ट टू MDKATs के अंदर, लास्ट जो कि लास्ट टू MDKAT के अंदर भी रिपीट हो चुका है, कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस. इसके अंदर से हमेशा क्वेश्चन आता है और यहाँ पे आपने आप बुक खोलोगे उसके अंदर आपके पास आया हुआ है कि जो आइडियल गैस को PV = nRT, उसकी आगे डेरिवेशन होती है पार्शियल प्रेशर की. जब तो वहाँ पे एक चीज़ आती है हमारे पास, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस ए. तो अक्सर मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस कैलकुलेट करने के लिए आता है, तो आप लोगों को बार बार ये फिंगर टिप्स पे अपने रखना पड़ेगा. इट्स ओके. तो और देन क्योंकि ना ये MCQs वो था कि जो लिटरली हम इसको बहुत अनइम्पॉर्टेंट समझते थे और ये बार बार रिपीट हुआ है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर के अंदर से जो कि आ सकता है. बाकी जो आपके पास बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ की डेरिवेशन होंगी वो तो आई थिंक आपके फिंगर टिप्स पे होंगी ही. बाकी उनके न्यूमेरिकल्स को आपने नहीं भूलना क्योंकि बेसिक सी चीज़ें हैं वो, लेकिन वो आप लोगों ने गलत नहीं करनी है. आप लोगों ने इस बात को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है. उसके बाद आपके पास आ जाता है हमारे पास डिफ्यूजन एंड अफ्यूजन की सिंपल डेफिनेशन, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन. ये इसकी जो आगे ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन की जो आखिर पे फॉर्मूला डिराइव होता है ना, वो आप लोगों ने उसकी प्रोपोर्शनैलिटी को देखना है, कॉन्स्टेंट के कौन क्या चीज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्या चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस चीज़ के. तो उसके बाद हमारे पास क्या आता है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस. अब इसमें से आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा क्वेश्चन आ सकता है अब जब ऊपर हम कंसीडर करते हैं, बट जब नीचे इसके जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मेन जो इसके पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए लिटरली. और इसमें से गैसेस वाले चैप्टर में से अगर 2-3 MCQs अगर बनते हैं तो इसमें से एक MCQs लाजमी आता है. ओके, और देन उसके बाद हमारे पास है एक्सप्लेनेशन ऑफ गैस लॉस फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी. अब ये वही आगे बॉयल्स लॉ, ग्राम्स लॉ ऑफ फ्यूजन, सबको उन्होंने इकट्ठा करके आखिर पे हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन को डिराइव किया जाता है. उसके बाद हमारे पास इस चैप्टर में से आता है लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेज. लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेज में से आप इसको बेसिक कॉन्सेप्ट आपका आपको इसका पता होना चाहिए कि, और यहाँ पे एक और बात याद रखिएगा कि ना ये वैल्यूज़ भी आप लोग याद करके जाइएगा जो इंपॉर्टेंट है ना. यहाँ पे आप देखेंगे टेबल 3.2, क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर ऑफ सम सब्सटेंसेज. अब इसमें से आपने देख लेना कि क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है, और ये आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट का याद कर लें. सबका याद ना करें, जिस तरह ऑक्सीजन का याद कर लें, कार्बन डाइऑक्साइड का याद कर लें, वाटर वेपर्स का याद कर लें, अमोनिया का याद कर लें, इन चार का कर लें. ओके, आगे जॉल थॉम्सन इफेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत ज़्यादा आ जाता होता है पेपर में, जॉल थॉम्सन इफेक्ट, लिंडिस मेथड ऑफ लिक्विफिकेशन गैसेस. इन दोनों में डिफरेंस क्या है आपको बेसिक कॉन्सेप्चुअल आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कोई भी MCQ है तो आप इन दोनों में इजीली डिफरेंशिएट कर सकें. उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेज. यू विल नॉट बिलीव के इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. इसके अंदर आपने कॉजेज ऑफ डेविएशन, ये आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी गैस अपने आइडियल बिहेवियर से क्यों डेविएट करती है, आइडियल गैस और नॉन आइडियल गैस में डिफरेंस क्या है. उसके बाद वॉल्यूम करेक्शन कैसे होती है, इसकी ये क्यों ज़रूरी है, और उसके बाद हमारे पास क्या आता है आगे आगे, इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है. प्लाज्मा स्टेट ये जो है ये यू कैन स्किप, आई कैन से डैट, बट इसके एप्लीकेशन को एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना, रीड कर लेना, इट्स जस्ट द सिंपल थिंग्स. ओके,
नाउ आई विल गाइड यू गाइज अ बिट अबाउट चैप्टर नंबर 4 लिक्विड्स एंड सॉलिड्स. द माई पोर्शन इज ऑफ लिक्विड सो आई विल कन्फाइन टू इट ओनली. लिक्विड्स के अंदर क्या आता है, सबसे पहली बात आपने याद रखनी है इसके अंदर जो इंटर मॉलिकुलर फोर्सेज और जितनी भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी. फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं लिक्विड्स की, कि जिस तरह इसके अंदर आ जाएंगी हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट आएगा, वेपर प्रेशर आएगा. बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर आपको पता होना चाहिए कि ये इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं एक दूसरे के. उसके बाद और ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का मैंने कहा, डायपोल डायपोल फोर्सेस की एग्जांपल्स आपको पता है कि एमडी कैट के अंदर, एमसीक्यूज के अंदर बेसिक जो चीज़ वो लोग पूछी जाती है कि वो आपसे मैकेनिज्म नहीं पूछेंगे, वो आपसे कहानी नहीं पूछेंगे, स्टोरी नहीं पूछेंगे. फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक एफएससी के आपको एक बात पूछी जाती है, पैराग्राफ लिखने को कहा जाता है तो आप लिख लेते हो और अच्छा लिख लेते हो. बट यहाँ पे क्या होता है कि आपको टू द पॉइंट एक बात जो पूछी गई है आपने वही बतानी होती है. तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट का पता हो. जब बेसिक कॉन्सेप्ट का पता होगा तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप कन्फ्यूज़ भी हो रहे हो तो फिर आपको याद आ जाती हैं चीज़ें. तो आपने करना क्या है कि आपने डायपोल डायपोल फोर्सेस, डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्सेस, ये सारी चीज़ों को अपने अपनी फिंगर टिप्स पे करना है. उसके बाद क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ऑल दिस चैप्टर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी है, इसकी बेसिक डेफिनेशन, इसकी ये बेसिक होती कैसे है, इसके अंदर इसका मैकेनिज्म क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपने अच्छे तरीके से देख लेनी है. उसके बाद हमारे पास आती है चीज़ें एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ऐसे कंपाउंड्स जो कि जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट हाइड्राइड्स. अब ये हाइड्राइड्स का आपने ट्रेंड याद रखना है, आपने ये बात याद रखनी, जितने भी कंपाउंड्स होंगे ना इस चैप्टर के अंदर, लिक्विड लिक्विड वाले चैप्टर के अंदर, आपने इन कंपाउंड्स की रेंजेस याद रखनी है कि भाई कौन सा एलिमेंट के बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, किसका कम है, कौन सा किस टेम्परेचर पे ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा अनरिएक्टिव है. तो ये चीज़ें जब आप देखोगे, आप अच्छी तरीके से इसको एनालाइज करोगे, तो देन इंशाल्लाह ये टॉपिक आपके लिए इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा. उसके बाद हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ आइस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, के इसके अंदर बेसिक एक क्वेश्चन आप पहले भी पढ़ते आते हो कि जो डेंसिटी ऑफ वाटर है वो हाइस होती है 4 डिग्री पे, और जैसे ही 4 डिग्री से टेम्परेचर को हम कम करते हैं तो डेंसिटी ऑफ आइस कम होना शुरू हो जाती है. क्यों, इसकी वजह क्या होती है, इसकी वजह ये होती है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है और जो अरेंजमेंट है वो बहुत ज़्यादा पैक्ड हो जाती है मॉलिक्यूल्स की. सो आपने उसके बाद क्या करना है, आपको इसकी एग्जांपल्स आनी चाहिए. और वो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एवेपोरेशन, वेपराइजेशन, वेपर प्रेशर, रिलेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट विद एक्सटर्नल प्रेशर, उसके बाद हमारे पास डिफरेंट जो केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगे उनका आपस में कोरिलेशन आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए. आप अपने नोट्स बना सकते हैं, मैं आपको नोट्स भी इंशाल्लाह शेयर करता हूँ, देन इट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर यू. ओके.